हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ स्पेशल रेसिपीज़ की स्पेशल थाली, जिसका इस्तेमाल स्पेशल ओकेजन्स पे आप अपनी फैमिली को खुश करने के अलावा स्पेशल गेस्ट को भी खुश करने के लिए कर सकते हैं। अपने ही हाथों से बनाए इस खाने का टेस्ट करने के बाद आप फील करेंगी कि आप भी किसी शेफ़ से कम नहीं हैं, और इस पूरे मील को बनाने में जो टाइम और एनर्जी कंज्यूम होगी उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वुमेन प्लस हार्डवर्क इक्वल टू सुपर वुमेन होता है, एंड वी ऑल आर सुपर वुमेन। और मैं हमेशा कहती हूँ कि काम घर का हो या बाहर का, प्री प्लानिंग करके चलेंगे तो टफ काम भी इजी लगने लगता है। सबसे ज़्यादा टाइम गाजर का हलवा बनाने में जाता है, इसीलिए पहले मैंने गाजर को भून के पकने के लिए साइड रख दिया था और उसके बाद बाकी का काम शुरू किया। गाजर के हलवे की पूरी रेसिपी इसी वीडियो में मैं आगे शेयर करूँगी। पहली रेसिपी है चना मसाला। चना मसाला बनाने के लिए व्हाइट चना को मैंने रात भर भिगो के रखा था। प्रेशर कुकर में बॉयल करने के लिए डालते वक्त पानी और नमक के अलावा खड़े मसालों की एक पोटली भी डालेंगे। इस पोटली के लिए किसी भी पतले और साफ कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मसाले हम इसमें डालेंगे वो हैं 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी स्टिक दालचीनी, 2 लौंग, 1 टीस्पून चाय पत्ती और 1 बे लीफ यानी कि तेज़पत्ता। इसे अच्छे से बांध के कुकर में डाल दें और एक विसल आने के बाद 15 से 20 मिनट तक पकने दें। बीस मिनट हो चुके हैं, प्रेशर कुकर खोल के चेक कर लेते हैं। पोटली निकाल के हम बाहर रख देंगे, एंड यू कैन सी द कलर ऑफ चनास, कितना ब्लैक कलर आया है मसालों और चाय पत्ती की वजह से। और अब टेंडेंसी चेक कर लेते हैं इसकी, देखिए चने पूरी तरह से पक चुके हैं। अब इसके लिए तड़का रेडी करेंगे। उसके लिए कढ़ाई में ऑयल के साथ ऐड किया है हींग, अजवाइन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया पाउडर, और साथ के साथ इसको सॉटे करते जाएंगे और ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, आमचूर पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर, और इन सब चीज़ों के साथ ऐड कर देंगे वाइट चना। चना मसाला है तो मसालों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही डाल देंगे जिंजर डाइस किया हुआ और साथ ही ग्रीन चिलीज। थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे, कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, और उसके बाद गैस कर देंगे हम बंद और स्प्रिंकल करेंगे सूखी कसूरी मेथी और साथ ही धनिया। नेक्स्ट रेसिपी है शाही पनीर। रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर बनाने के लिए एक बर्तन में ऑयल के साथ सबसे पहले हम ऐड करेंगे 4 से 5 छोटी इलायची, 2 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च के दाने, साथ ही ऐड करेंगे तेज़पत्ता यानी कि बे लीफ, धनिया पाउडर, जीरा, कैश्यूज यानी कि कुछ काजू, अदरक लहसुन कटा हुआ, साथ ही इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली, प्याज जो कि बड़े बड़े पीसीस में हमने काट के रखा है, टोमेटोज़ को भी बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इन सब चीज़ों की एक प्यूरी ही बनानी है। सो सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे 1.5 कप पानी का और 10 मिनट तक इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे, जब तक ये सारी चीज़ें सॉफ्ट नहीं हो जाती, और उसके बाद गैस कर देंगे बंद और इस मिक्सचर को अच्छे से ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाने के बाद इसकी एक प्यूरी रेडी कर लेंगे, और प्यूरी रेडी होने के बाद इसको अच्छे से छान लेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल स्मूथ पेस्ट चाहिए, कोई भी वेस्टेज साथ में नहीं चाहिए। तो एक छन्नी में लेके उसको अच्छे से करछी से हिलाते हुए इसका वेस्ट सारा अलग कर लें और प्यूरी अलग कर लें। सारी प्यूरी को छान के अलग रख लेंगे और उसके बाद एक बर्तन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। उसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ ही गरम मसाला पाउडर। 2 मिनट तक इसको सॉटे करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे जो प्यूरी हमने रेडी करके रखी है, और इसको अच्छे से 10 से 15 मिनट तक बॉयल होने देंगे अच्छे से, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे पनीर के कटे हुए पीसेस। इसके बाद हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर, और मसाले हम काफ़ी डाल चुके हैं लेकिन फिर भी मैं ऐड कर रही हूँ शाही पनीर मसाला। क्रीम के बिना शाही पनीर का कोई मज़ा नहीं, तो आप क्रीम ऐड कर सकते हैं या घर में ही जो मलाई होती है उसको अच्छे से फेंट के आप इसमें ऐड कर सकते हैं, टेस्ट सेम ही आता है। उसके बाद कसूरी मेथी का पाउडर और आपका शाही पनीर रेडी है। मिक्स वेजिटेबल एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, बहुत सारी वेजिटेबल्स को एक साथ खाने का, तो उसको बनाने के लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है। ऑयल में डाला है हींग, जीरा, साथ ही ऐड कर दिया है अनियन बारीक कटा हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट, टोमेटोज़,
मेरे ख्याल से हम सब इसी तरह से बनाते हैं, सॉल्ट, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और सारी की सारी कटी हुई वेजिटेबल्स जैसे कि गोभी, आलू, गाजर, बीन्स, मटर और शिमला मिर्च सभी को एक साथ मिला के धीमी आंच पर ढक के तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छे से गल नहीं जाती। दही वड़ा बनाने के लिए धुली उड़द की दाल को मैंने रात भर भिगो दिया था और उसके बाद सुबह इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे, लेकिन ख्याल रहे कि वड़ा बनाने के लिए हमने दाल को बिल्कुल सूखा सूखा पीसना है। पानी इसमें ज़रूरत के अनुसार डालना है लेकिन बहुत ही कम, जितना हम इसको ड्राई पीसेंगे उतने ही हमारे वड़ा अच्छे बनेंगे। सारी दाल को अच्छे से ग्राइंड करने के बाद उसका पेस्ट रेडी करने के बाद इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट, भुने हुए जीरे का पाउडर, गरम मसाला, हींग और अब बारी आती है इसको अच्छे से बीट करने की। अगर आप चाहते हैं कि आपके वड़ास बहुत अच्छे बने तो कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छे से बीट करना है। देखिए इस तरह से इसका एक थिक पेस्ट रेडी हो जाएगा और उसके बाद इसको चेक करने के लिए कि ये पेस्ट पूरी तरह से रेडी है या नहीं, एक पानी हम थोड़ा सा डाल के देखेंगे, अगर वो फ्लोट हो रहा है तो आपका पेस्ट प्रॉपर रेडी है। उसके बाद गरम तेल में एक एक करके हम वड़ा इसमें डालते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। फ्राई करते हुए ध्यान रखें कि जब भी आप वड़ा को इसमें डालें तो इसके ऊपर वाली साइड पे भी ऑयल जरूर स्प्रेड करें, इससे आपके वड़ा जो हैं वो अच्छी तरह से फूल जाते हैं। आपके वड़ास और भी अच्छे बने तो उसके लिए हम इसको दो बार फ्राई करेंगे, तो एक बार हल्का ब्राउन होने पे इसको बाहर निकालेंगे, उसके बाद सारे वड़ास को फ्राई करने के बाद एक बार फिर से इसको फ्राई करेंगे। जब तक वड़ास रेडी हो रहे हैं तब तक रेडी कर लेते हैं हॉट वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर ताकि वड़ास को इसमें डिप कर सकें। अब देखिए ये सारे वड़ास जो है मैंने एक बार इनको फ्राई करके निकाल लिया था और अब दूसरी बार फ्राई करेंगे और साथ के साथ निकाल के हॉट वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर में डालते जाएंगे और हाफ एन आवर इसको पानी में डिप रख के इनको हल्का सा स्क्वीज़ करके निकालते जाएंगे। मेक श्योर आप इसको पूरा स्क्वीज़ ना करें, नहीं तो आपके वड़ास जो हैं वो जूसी नहीं बनेंगे। तो लीजिए वड़ास तो हो गए हैं रेडी और अब रेडी कर लेते हैं रायता और उसके लिए मैंने बाउल में दही निकाल के रख लिया है। इसको विस्कर की सहायता से थोड़ा सा विस्क करने के बाद ग्राइंडर में एक पेस्ट रेडी करेंगे धनिया, पुदीना, ग्रीन चिली और एक चम्मच दही का डाल के। दही ऐड कर देने से बहुत ही स्मूथ पेस्ट रेडी हो जाता है और अब इस पेस्ट को डाल देंगे हम दही में और साथ ही डाल देंगे काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और लास्ट में डाल देंगे हम अपने तैयार किए हुए वड़ास। और ज़्यादा अच्छे टेस्ट के लिए इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले फूड प्रोसेसर में मैंने गाजरों को ग्राइंड कर लिया था और उसके बाद एक कढ़ाई में लिया था हाफ कप ऑफ देसी घी। अब इसमें 10 से 15 मिनट तक हम गाजरों को अच्छे से भूनेंगे। पंद्रह मिनट घी में भूनने के बाद इनका कलर चेंज हो जाएगा और काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट भी हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने एक किलो के करीब गाजर ली है और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 750 ml के करीब मिल्क और अब 20 से 25 मिनट तक इसको हम दूध में पकाएंगे। 20 से 25 मिनट हो जाने तक और काफ़ी हद तक दूध के सूख जाने पर इसमें ऐड करेंगे शुगर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। शुगर से छोड़ा हुआ पानी सूखने के बाद इसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर और साथ ही डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के, जिसमें मैं डाल रही हूँ कुछ किशमिश, कटे हुए काजू और बादाम। एंड में हम डाल देंगे मावा, लेकिन ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, इसके बिना भी गाजर का हलवा बहुत यम्मी बनता है। सैलड के बिना कोई भी मील अधूरा है, तो आज हम बनाएंगे सैलड ब्रोकली का। तो उसके लिए एक बर्तन में पानी बॉईल किया है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके उसमें डाल दिए हैं ब्रोकली के पीसेस कटे हुए। 1 से 1.5 मिनट तक इनको बॉईल करने के बाद इसको इमीडिएटली ठंडे पानी में हम डाल देंगे। तो चलिए अब ड्रेसिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए लिया है 1 स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, 1 लेमन जूस, 1 टेबल स्पून ऑफ विनेगर, ब्लैक सॉल्ट। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
और अब एक बाउल में डाल देंगे ब्रोकली के जो पीसेस हमने रेडी करके रखे हैं, साथ ही कुछ कुकम्बर के यानी कि खीरे के पीसेस, कुछ पनीर के टुकड़े और आप ड्रेसिंग इसके ऊपर डाल देंगे और हमारा सैलेड रेडी है। जितनी भी डिशेस आज हमने बनाई हैं वो सारी लच्छा परांठा के साथ बहुत टेस्टी लगती हैं, तो चलिए बना लेते हैं लच्छा परांठा। तो उसके लिए लिया है 1 कप मैदा, 1 कप गेहूं का आटा, साथ ही लिया है 1/2 कप सूजी, थोड़ा सा ऑयल डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और थोड़ा गुनगुना पानी डाल के हल्के हल्के इसको हम गूंद लेंगे। एक बार गूंदने के बाद इसको एक कपड़े के साथ हम 10 से 15 मिनट तक ढक के रख देंगे और उसके बाद इसको दोबारा से गूंथेंगे। लच्छा परांठा बनाने के लिए एक बड़ी सी लोई लेंगे और उसको अच्छे से बेल लेंगे। बेलना इस तरह से है कि उसकी एक पतली और बड़ी सी रोटी तैयार हो जाए और उसके बाद उसके ऊपर लगाएंगे ऑयल या घी, साथ ही स्प्रेड करेंगे कुछ सूखा हुआ आटा और ऊपर और नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से उसकी परतें बना लेंगे। और उसके बाद इसको इस तरह से रोल करते हुए जो इसका एंड पॉइंट है उसको बिल्कुल नीचे की तरफ दबा देंगे ताकि वो निकल ना जाए और दोबारा से सूखा आटा इसके ऊपर लगा के दोबारा इसकी रोटी बेल लेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसकी आपको परतें नज़र आ रही हैं, इसी तरह से ये लच्छे जो हैं वो पकी हुई रोटी में भी नज़र आते हैं। और इसको तवे के ऊपर अच्छे से सेंक लेंगे और आपका लच्छा परांठा तैयार है। लीजिए, सब कुछ बनके तैयार है। इन सब चीज़ों को एक साथ बनाने में मेहनत तो लगती है लेकिन जब पूरी फैमिली एक साथ मिलकर बैठ के खाती है और आपकी तारीफ़ भी करती है तो मज़ा दोगुना हो जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को विद बैल आइकन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।